हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जिसका यहाँ पे डेफिनेटली अगले हफ्ते क्वार्टर फोर का नंबर है। और नंबर के पहले आपको पता होना चाहिए कि बड़ी भयंकर गिरावट मनप्पुरम फाइनेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। तो गिरावट के पीछे के कारण क्या है, और मनप्पुरम में जो ऊपर के लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि मनप्पुरम हाल फिलहाल में ही 4 महीने की पहले की बात करें तो 20 तक का उसने हाई मारा है। तो वहाँ पे काफी लोग यहाँ पे लेकर के बैठे हुए, तो यहाँ पे उनके जो पैसे है हाल फिलहाल में बात करें जिस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पैसे लगभग लगभग आधे हो चुके हैं और अभी भी एक गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। तो सभी को यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में बताने के लिए मैं आपको डेफिनेटली पहले तो गूगल पे लेकर के आना चाहूंगा और यहाँ से हम एनालिसिस चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ्राइडे की क्लोजिंग आपके सामने है। मनप्पुरम फाइनेंस की क्लोजिंग हुई है 98 रुपये, मतलब कि 100 रुपये का क्रिटिकल लेवल तोड़ दिया है। 2% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। और हाल फिलहाल में बात करें गिरावट की, तो 1 वीक में 7%, 1 महीने में 20%, पिछले 6 महीने में 50%, 2022 में 41%, और यहाँ पे बात करें 1 साल की टाइम होराइजन पे भी 36% से ज़्यादा की गिरावट मनप्पुरम फाइनेंस में दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करूँ तो अगले हफ्ते उसके क्वार्टर फोर के नंबर है। यहाँ पे डेट आपके सामने रिवील करना चाहूँगा, आप देख सकते हो BSE की वेबसाइट पे मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पे सर्च करके रखा है। रिजल्ट की डेट 18 मई है और यहाँ पे BSE का कोड ये आपके सामने है। तो रिजल्ट की ही अपडेट यहाँ पे आपके सामने निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मनप्पुरम होम फाइनेंस स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट डिक्लाइन बाय 91.42% इन मार्च 2022 क्वार्टर। मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट की इससे कैसे आने की संभावना बताई जा रही है, तो नेट प्रॉफिट में 92% तक की डिक्लाइन यहाँ पे बताई जा रही है। इसी के चलते शेयर प्राइस काफी महीनों से अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल राइस यहाँ पे 41.46% टू 37.33%। पर तो यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मात्र 0.46 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर की बात करें तो 5.36 यहाँ पे करोड़ आया था। तो 5.5 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मात्र आधा करोड़ रह चुका। तो इसी का डेफिनेटली असर शेयर प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें तो फुल ईयर का नेट प्रॉफिट बात करें तो उसमें भी 30% तक की गिरावट यहाँ पे आने की पूरी पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। तो डेफिनेटली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट बहुत खराब है वैसे देखे तो, क्योंकि 92% का नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन अपने आप में बहुत बड़ा झटका होता है कंपनी में। और इसी के कारण यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस जो कि 225 के आसपास ट्रेड करा करता था, अभी 95-100 के बीच में आपको दिखाई देता है। तो मैं जाना चार्ट पे लेके जाऊँ, इससे पहले यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन जल्दी से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। NSE की वेबसाइट पे मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड 98.95 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। प्रीवियस क्लोजिंग 100 रुपये था, ओपन 103.50 रुपये, 103.70 रुपये, लो 98.40 रुपये और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 99.05 रुपये। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 52,66,000 शेयर की, डिलीवरी हुई है 18,26,000 शेयर की और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 35% के आसपास की नजर आ रही है। चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और फर्दर कितनी गिरावट की गुंजाइश है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मनप्पुरम का चार्ट आपके सामने है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, बड़ी टाइम फ्रेम पे ही बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बहुत बड़ा हो चुका है, फॉल बहुत बड़ा हो चुका है। आप देखें तेजी थी, लगभग लगभग 200 रुपये का अप्रोच किया, उसके बाद गिरावट होती है 74 रुपीज तक गिरावट होती है और वहाँ से बाउंस बैक होने करने की कोशिश करी और यहाँ पे जो 200 का लेवल भी तोड़ दिया, अब 220 प्लस के लेवल बनाया और वहाँ से जो गिरावट हुई है देखते देखते शेयर आधे से भी कम 60% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है 52 रुपये के हाई से, और अभी 99 के आसपास प्राइस चल रही है। मुझे लगता है 94x सपोर्ट के तौर पे ये जो जोन है वो काम कर सकता है। अगर 94 टूटा तो आपको 74-75 का लेवल, जो कि पिछली बार यहाँ से रिकवरी आई थी, वहाँ तक जाता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। मेरे ख्याल से तो अभी भी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मार्केट को थोड़ा एडजस्ट होने दीजिए। हालांकि ऑलरेडी गिरावट बहुत आ चुकी है, परंतु अगर 75-80 के बीच आसपास मिलता है तो डेफिनेटली मनप्पुरम एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। यहाँ से आपको 30-40% के रिटर्न वेरी शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे RSI का लेवल देखें तो RSI का लेवल 40 के आसपास है और यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों मनप्पुरम को आप स्टडी करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले बरौली के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।